नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आलोक। उत्तर भारत में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। कुछ इलाकों में तापमान 46 डिग्री से भी ऊपर रहने लगा है, जिसके कारण रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। इतनी विकराल गर्मी में सामान्य लोगों की हालत खराब है, तो सोचिए कि दिल के मरीजों के लिए गर्मी का मौसम कितना कष्टकारी होगा। अधिक गर्मी के कारण नींद की कमी, बेचैनी और प्यास से उनके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इसी तरह बहुत अधिक गर्मी और लू के कारण शरीर में पानी, सोडियम और पोटेशियम की कमी हो सकती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है और स्थिति जानलेवा हो सकती है। ये समस्या दिल के मरीजों के लिए तो गंभीर है ही, साथ ही स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में अपने दिल का ख्याल रखने के लिए आज आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल पर हम जानेंगे कुछ जरूरी टिप्स। गर्मी में पानी कम पीना कितना खतरनाक हो सकता है। गर्मी के मौसम में शरीर की पानी की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए अगर आप पानी पीने में लापरवाही बरतते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में सोडियम, पोटेशियम और पानी की कमी हो सकती है। इससे हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो सकता है। जो लोग पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए भी ये मौसम खतरनाक हो सकता है। दरअसल पानी की कमी से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर कम करने की दवा भी ले रहा है तो स्थिति ऐसी बनती है, एक तरफ को पानी कम पीने के कारण हार्ट रेट बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर की दवा अंदर जाकर ब्लड प्रेशर कम कर देती है। इससे अचानक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है। गर्मी में हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। पहली, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए पानी लगातार पीते रहें। खासकर एक्सरसाइज के समय और एक्सरसाइज के बाद पानी पीना बहुत जरूरी है। दूसरी, इस मौसम में चाय कॉफी कम पिएं, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी पैदा करते हैं। इसके बजाय छाछ, लस्सी, फलों का जूस आदि पिएं। तीसरा, ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए तो नमक खतरनाक है ही, लेकिन सामान्य लोगों को भी गर्मी के मौसम में नमक का सेवन कम करना चाहिए। चौथा, एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं, जिससे पेट को बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े खाने को पचाने में। पांचवा, खाने में रसीले फल और सब्जियों को शामिल करें ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिले और पानी भी। इसके लिए तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, अदरक, संतरा, केला और दूसरे फलों को शामिल करें। छठा, गहरे रंग के कपड़े ना पहने, इसके बजाय हल्के रंग के कपड़े पहने। कोशिश करें कि सिंथेटिक कपड़ों के बजाय कॉटन के कपड़े पहने। सातवा, दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और घर पर ही शरीर को ठंडा रखने के लिए पंखा, कूलर या एसी आदि को चलाकर ही बैठें। आठवां, अगर घर से बाहर निकलना ही है तो सिर पर टोपी या छाता रखें, कान ढक कर रखें और साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। नौवां, अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या होने पर तुरंत बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। दसवां, बहुत ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम, बर्फ, चिल्ड पानी या शरबत आदि लेने से बचें। यानी ठंडी चीजें खा पी सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक ठंडी चीजें नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियोस में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी। इसे अपनाकर आप अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव भी महसूस कर पा रहे होंगे। आयुष हेल्थ मंत्रा पर उपलब्ध कराई गई सभी वीडियोस का एक ही उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन का लाभ ले सके। स्वास्थ्य संबंधी सभी विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियोस को सबसे पहले नोटिफिकेशन में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।